दोस्तों, हमने गरीब का ढाबा कहानी के पहले पार्ट में आपको दिखाया था कि मोहन के पास कोई काम ना होने के कारण मोहन बहुत परेशान था। मोहन एक दिन काम की तलाश में घूमते हुए थककर एक पेड़ के नीचे बैठा था, तभी एक आदमी उसके पास आता है। उस आदमी ने अपनी जमीन मोहन को काम खोलने के लिए दी। मोहन हर महीने उस जमीन का किराया देने लगा। फिर एक दिन वो आदमी मोहन से कहता है, मोहन, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना वो जमीन तुम्हारे ही नाम कर दो। तुम मुझे जितना हो सके पैसे दे देना, धीरे धीरे तुम्हारे पास अपनी जमीन भी हो जाएगी। इस तरह उस आदमी ने मोहन के नाम वो जमीन कर दी और कुछ महीने तक मोहन से पैसे लेने लगा। एक दिन मोहन के ढाबे पर पुलिस आती है और उसे बताती है कि ढाबा गैर कानूनी जगह पर है। उस जमीन के मालिक ने मोहन पर केस कर दिया है। उसके बाद मोहन उस जमीन के मालिक के पास पुलिस को लेकर जाता है, पर वो आदमी मोहन को पहचानने से साफ इनकार कर देता है और मोहन को जेल हो जाती है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से उस वीडियो को देख लें। मोहन 2 साल बाद जेल से छूटकर आता है और सबसे पहले अपनी पत्नी से मिलने के लिए जाता है। तुम कैसी हो मीनू? मेरे जेल जाने के बाद पता नहीं तुम कैसे अपना जीवन बिता रही थी, बस यही ख्याल मन को खाए जा रहा था। आपके जेल जाने के बाद मेरा मन घर में नहीं लगता था, इसलिए मैं अपने माँ के घर आ गई। ये तुमने बहुत अच्छा किया मीनू, हम कल ही अपने घर चलेंगे। कल क्यों चलेंगे, आज क्यों नहीं? आज मैं जरा उस आदमी से मिलकर आता हूँ जो उस जमीन का मालिक बने बैठा था, जिसकी वजह से मुझे जेल हो गई। उससे पूछो तो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब छोड़िए पुरानी बातें, पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं, जो बीत गया सो बीत गया। नहीं मीनू, जब तक मैं इस बात का पता ना लगा लूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। मोहन उस आदमी से मिलने के लिए उसके घर के लिए निकल जाता है। दो तीन घंटे बाद मोहन जब उस आदमी के घर पहुंचा तो, साहब, अरे ओ साहब, कहाँ हो? मेरी जिंदगी बर्बाद कर क्या मिला भला आपको? मुझे जवाब चाहिए, सामने आओ। कौन हो भाई और तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? साहब, जरा उस दूसरे साहब को बुला दीजिए, उनकी वजह से मुझे जेल हुई। मुझे कारण जानना है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कौन दूसरे साहब भाई, किस साहब की बात कर रहे हो? यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं रहता, ये घर मेरा ही है। ये सुनते ही मानो मोहन एकदम सन्न पड़ गया, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। क्या, पर वो इंसान तो यही रहता था, 2 साल पहले मैं यही मिला था उससे। देखो भाई, मैं रहता हूँ बाहर, 5 साल बाद गांव आया हूँ, इस बीच कोई भी यहाँ नहीं आया मेरी जानकारी में, फिर तुम किस आदमी की बात कर रहे हो? मोहन समझ गया कि उसके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। अगले दिन मोहन मीनू को लेकर अपने घर आ जाता है और चुपचाप बैठकर कुछ सोच रहा होता है। क्या सोच रहे हैं अब आप? जो बीत गया उसे याद कर करके क्यों खुद को परेशान कर रहे हैं? मीनू, आखिर ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? हमने किसी का कुछ बिगाड़ा तो नहीं है? खैर, मैं काम देखने जाता हूँ, कुछ काम का जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। अब इस गांव में तो नहीं है कोई काम, पर किसी दूसरे गांव में जाता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। ठीक है, पर आराम से जाना और शाम होने से पहले ही आ जाना। ठीक है मीनू, तुम चिंता मत करो, मैं शाम होने से पहले ही आ जाऊंगा, अब मैं चलता हूँ। मोहन काम की तलाश में निकल जाता है। कुछ घंटे चलने के बाद मोहन एक दूसरे गांव में आ जाता है। उसने वहीं उस आदमी को देखा जिसने उसे ठगा था। अरे, ये तो वही आदमी है जिसने मुझे ठगा है।
अच्छा, तो ये इस गांव का निवासी है, पता लगाना पड़ेगा। जैसे ही वो आदमी वहां से निकला, मोहन जाकर गांव के आदमी से उस ठगे इंसान के बारे में पूछता है। अरे भाई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये आदमी जो अभी यहाँ से गया है, क्या ये इसी गांव का निवासी है और ये कहाँ रहता है? मुझे इसका जरा पता बता दीजिए, मुझे इनसे बहुत जरूरी काम है। नहीं नहीं भाई, ये भला मानस मेरी जिंदगी में तो भगवान बनकर आया है, ये यहाँ नहीं रहता। इसके पूर्वजों ने इस गांव में जमीन छोड़ी थी, उसे बेचने आया है ये। उसी में से थोड़ी जमीन मुझे देने के लिए कह रहा था, ताकि मैं छोटा मोटा कोई काम शुरू कर सकूं। मोहन अब समझ गया कि इस आदमी का काम ठगने का ही है। बस उसने उस आदमी को सारी बातें बता दी। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन उस दूसरे गांव का आदमी मोहन से मिलता है। मोहन भाई, तुम जल्दी से पुलिस को लेकर आ जाओ, मैंने उस जमीन के मालिक का पता कर लिया है। उस जमीन का मालिक ये आदमी नहीं है, इसने मुझे धोखे में रखा है। मैंने इस आदमी से एक पेपर पर लिखवा लिया है और पैसे आज देने के लिए बोला हूँ। तुम पुलिस लेकर जल्दी से आ जाओ। महज कुछ ही घंटे में मोहन पुलिस के साथ उस आदमी के यहाँ आ जाता है। वो आदमी मोहन को देखकर मानो सनसा रह गया। इंस्पेक्टर साहब, यही वो आदमी है ना जिसने इनकार कर दिया था कि जमीन इसकी नहीं है। आप सही थे, इस आदमी का काम है लोगों के साथ धोखा करना। अभी ये इस गरीब आदमी के साथ वही करने जा रहा था जो इसने मेरे साथ किया था। थारे पास की सबूत है कि ऐ इंसान ने फ्रॉड किया है? मोहन ने सारे सबूत इंस्पेक्टर को दिखा दिए। इंस्पेक्टर साहब, अब तो आपको यकीन हुआ ना? यकीन भी हो लिया और यो आदमी भी पकड़ लिया। चल बेटा, इब तू जेल में फ्रॉड करिए हमारे साथ। इंस्पेक्टर उस आदमी को जेल में डाल देता है। इस तरह मोहन ने अपने साथ हुए फ्रॉड का बदला लिया और साथ ही साथ एक और गरीब के साथ फ्रॉड होने से उसे बचा लिया।